अलीराजपुर जिले के बालपुर भगोरिया में कुछ शरारती युवकों द्वारा युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर युवकों की पहचान के लिए जिले समेत आसपास के जिले में तलाश शुरू की, जिसके बाद मुख्य चार आरोपी युवकों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दीपक है, इस तरह के लोग हैं जिन लोगों ने मुख्य रूप से घटना को अंजाम दिया है, लेकिन और जो भी आरोपी है सब लोगों को साथ लगा के बच्चों के साथ दिया है, हम सबको हम लोगों ने आरोपी बनाया। निश्चित तौर पे घटना की गंभीरता को देखते हुए हम विधि के दायरे ले रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं। अलीराजपुर की सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित की और तत्काल तत्परता दिखाते हुए सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय पुलिस अधीक्षक खुद हमारे साथ मौजूद है, घटना को लेकर किस तरीके की तत्परता दिखाई है, किन किन आरोपियों को उन्हें गिरफ्तार किया है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, जो घटना हुई थी बालपुर को लेकर, सर किस तरीके से उस घटना में आरोपियों को सामने लाया गया है, क्या मामला हुआ? देखिए, बालपुर का जो विश्व प्रसिद्ध भगोरिया मेला है, यहाँ पे काफ़ी अत्यधिक भीड़ रहती है, करीब 25-30 हज़ार की जनता आती है। उसमें ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो तस्दीक करने के बाद हमारे लिए बहुत ही चुनौती था कि उस 25,000 की भीड़ में 10-15 लड़कों को कैसे चिन्हित किया जाए, कैसे पहचाना जाए। तो हम लोगों ने जो आसपास के गांव के आसपास के जिलों के गाँव के सभी व्यक्तियों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सरपंच के तड़वी के पटेल के शिक्षक के सभी लोगों से बातचीत किया, सभी लोगों की सूची बनाई, सभी को वीडियो दिखाया, वायरल किया और बताया कि भाई कौन आदमी कहाँ का हो सकता है, जिसके आधार पे हमारी टीम ने ये क्लू प्राप्त हुआ और जिसके आधार पे हमारी टीम जा करके इसको पकड़ने में सफलता हासिल करी। सर, जो युवक है वो कहाँ के हैं, कहाँ के पाए गए हैं, कहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो 12 लड़के हैं टोटल 15 गिरफ्तारी हुई, इसमें 12 मनावर सब डिवीजन जिला धार के रहने वाले हैं और 3 किनारा गाँव नानपुर अलीराजपुर के रहने वाले हैं, और जो मुख्य आरोपी है जिनने बच्चियों के साथ पकड़ के काफ़ी अस्थिर हरकत की है, वो सभी आरोपी बनावर के रहने वाले हैं। सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसी को लेकर कार्रवाई की है, युवकियाँ आपके सामने नहीं है, तो कितना फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले? देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस के पास जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस संज्ञान में आता है तो उस क्रिमिनल ऑफेंस पे संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करना हमारा लीगल दायित्व बनता है, जिसके आधार पे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। रही बात युवतियों के सामने आने का, तो वीडियो में बड़ा स्पष्ट है कि पब्लिक प्लेस पे युवतियों के साथ असली हरकत की गई है, उसको आधार बना करके हम एफआईआर लॉन्च किए हैं। हमारी पूरी योजना विशेष है, योजना और जो जो तथ्य सामने आएंगे, जो जो कैसे पुख्ता और योजना होगी उस पर भी हम काम करके पुख्ता बनाएंगे। को लेकर पुलिस विभाग की बात की जाए या पुलिस अधीक्षक की बात की जाए, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले को वीडियो से ही तत्काल संज्ञान में लिया और सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर अभी जो एसपी साहब जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर निवेदन कर रहे हैं कि फर्स्ट एक्ट कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए ताकि जल्द से जल्द सारे आरोपियों को सजा हो सके। दिलीपाणी, इंडिया न्यूज, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।